हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे एक चैलेंज करना चाहता हूँ। मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए मैं यहाँ पे चैलेंज करूँ या ना करूँ। आई हैव अ न्यू आइडेंटिटी वीकली के पिछले एपिसोड में देखा था ड्रैगन किंगडम चीफ एसोसिएशन से प्रेजिडेंट यू आए थे और अपने साथ कुछ फॉरन से लोग भी लाए थे मैनकेट का खाना टेस्ट कराने के लिए। और फिर हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जितने भी फॉरेन से लोग आए थे और मैनकेट का खाना टेस्ट कर रहे थे, मैनकेट का खाना खा रहे थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे थे। पर वो सुनने के बाद जो यूएओ कहती है कि ये लोग यहाँ पे सच में फॉरेन से आए और क्या ये लोग जब बाहर निकलते हैं उन लोगों को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ पे जो इनकी लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो सुन के जो प्रेजिडेंट यू होते हैं वो कहते हैं कि इन लोगों के लिए यहाँ पे शर्म की बात होगी, काफ़ी लंबे समय से हमारी कंट्री में रह रहे इसलिए यहाँ पे उनकी जो लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा जो मिस्टर सू यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी है, मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों का रेस्टोरेंट में नहीं देखा। तो वो सुनने का मैनकेट कहता है कि प्रेसिडेंट लू आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, पर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मेरी लड़कियों को देखने के लिए तो नहीं आएंगे, और आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस काम से आए और डायरेक्ट पॉइंट पे आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने जैसा सोचा था लेजेंडरी गॉड ऑफ कुकिंग इन द जान के, और भले यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग है पर तो अभी यहाँ पे गॉड कहलाने के लायक है। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप मेरी मदद कर सकते। और फिर मैनकेटर कहता है कि लेजेंडरी ऑफ जाओ, और ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेसिडेंट की आंखों में कुकिंग ऑफ गॉड कहलाने लायक रही हूँ। तो वो सुनने के बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं तो वो सुनने के बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं नहीं मिस्टर सू, आपको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि आप कुकिंग ऑफ गॉड है, पर मैं यहाँ पे ड्रैगन किंगडम का चीफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, पर यहाँ पे जो कुछ लोग हैं यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं है और आपका जो कुकिंग ऑफ गॉड का टाइटल है वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो जीजी होती है वो कहती है तो क्या हमको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और फिर प्रेसिडेंट कहते मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि जो आपका जो टाइटल है कुकिंग ऑफ गॉड का जो हायर अप है वहाँ पे मानने वाले बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ हमारे कंट्री तक ही रह जाएगा और जो बाहर की कंट्री वाले हैं वो यहाँ पे मानने वाले बिल्कुल भी नहीं है। पर जो मेन कैरेक्टर होता है प्रेसिडेंट की बातों को फुल इग्नोर करता है और कहता है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और पहले मुझे यहाँ पे बाथरूम यूज़ करने जाना है। और वो देखने के बाद प्रेसिडेंट लू होते अपने मन में सोच रहे होते कि बंदा तो यहाँ पे मेरी बात ही नहीं सुन रहा है और यहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए कहते कि आपके पास यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप ऐसे नहीं जा सकते। पर यहाँ पे मैन कहते उसकी बातों को इग्नोर कर देता और कहता है मैं यहाँ पे बाथरूम से वापस आऊँगा तब बात करेंगे, और वो सुनने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर उसके बाद जो यांग होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे माफ़ कर दीजिए कि जो यहाँ पे मिस्टर सू आपसे बहुत ज़्यादा रूड बात कर रहे हैं, और वो सुनने के बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग है, और अपने मन में कहता है कि जो तुमने आज मेरी बेइज्जती की उससे हज़ार गुना मैं तुमको फ्यूचर में देने वाला हूँ। और फिर हमको दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे क्विंजू कह रही होती और यहाँ पे क्विंजू कह रही होती कि जो प्रेसिडेंट यू है उनके यहाँ पे इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। तो वो सुनने का मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, और जब मैंने उसके साथ हैंडशेक किया था तब मैंने मेरी फिजिकल पावर का यूज़ किया था और मैंने यहाँ पे देखा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, उसका यहाँ पे डर लग रहा है कि मैं आपको उसकी पोजीशन छीन लूँगा, इसलिए यहाँ पे वो कुछ भी करके मुझे गिराना चाहता है। तो वो सुन के क्विंजू कहते कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा बुरी बात है, और कहते कि रुको मैं उसके साथ यहाँ पे डील करके आते हो। तो वो देखने के बाद मैनकेट कहता है तुम यहाँ पे वापस आ जाओ और तुम यहाँ पे मेरे बिग इवेंट को बिगाड़ो मत। तो वो सुन के क्विंजू कहती कि आपने यहाँ पे कुछ प्लान करके रखा, मैं यहाँ पे जो मेरे रेस्टोरेंट को पूरे वर्ल्ड में फेमस करना चाहता हूँ और वो यहाँ पे सामने से इन्विटेशन लेके आया है तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ। और फिर कहता है आज से तुम यहाँ पे उस पर ध्यान रखना और यहाँ पे कुछ भी करे तो मुझे पता नहीं देना। और फिर हमको दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और मैनकेटर यहाँ पे वापस आ चुका होता है और वापस से प्रेसिडेंट के साथ हैंडशेक कर रहा होता है, और मैनकेटर कहता है कि मुझे यहाँ पे माफ़ कर दीजिए प्रेसिडेंट यू, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी में था इसलिए मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं कर पाया। तो वो सुन के प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है, और फिर मैनकेटर कहता है कि मैं यहाँ पे कल पम्बलर को बुला के जो टॉयलेट है उसका पानी ठीक करा दूंगा क्योंकि यहाँ पे जो टॉयलेट में यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। तो वो सुनने के बाद जो जीजी होती है वो कहती है कि जो तुम्हारा हाथ है मुझे यहाँ पे दूर रखो, और वो सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं आप देख सकते हो उसकी हालत क्या है। और फिर मैनकेटर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे जाने से पहले आप यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी की बात क्या आप मुझे थोड़ी डिटेल में बता सकते हैं। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर ने जो लास्ट नैपकिन था यहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया था, और वो देखने के बाद जो प्रेसिडेंट अपने मन में सोच रहे होते, और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि बात कुछ ऐसी है कि 3 दिनों बाद हेमचिन सिटी से और वो यहाँ पे नेशनल चैंपियन है। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि बात कुछ ऐसी है कि 3 दिनों बाद हेमचिन सिटी से यहाँ पे एक बंदा आने वाला है और वो यहाँ पे कंपटीशन करना चाहता है। पर यहाँ पे जो यान होती है अपने मन में हंस रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ पे उसका नाम कैसा है और यहाँ पे कितना ज़्यादा फनी नेम है गोल्डन नीडल मशरूम। और फिर मैनकेटर कहता है अच्छा हेमचिन सिटी, और फिर मैनकेटर कहता है अच्छा हेमचिन सिटी से नेशनल लेवल का चैंपियन सैफ आने वाला है जिसका नाम शिव की ओर से।
रेजिडेंट कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा कि जो शिव की ओर से उनको 3 महीने पहले हार्ट अटैक आ गया था, पर जो यहाँ पे उनका डिसिपल है वो यहाँ पे आने वाला है। और मैनकेट सर कहते हैं कि तुम में इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम इससे कॉम्पिटिशन कर सको। तो वो सुनकर मैनकेट कहता है कि ऑफकोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर मेरी यहाँ पे एक कंडीशन है। और यार जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दिए लाइक, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।